नमस्कार, मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका बेहद ही खास प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी राहुल शर्मा और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर। जहां तक लग रहा था कि अब तक यूपी निकाय चुनाव की कमान सीएम योगी के हाथ में है, लेकिन नहीं, यूपी निकाय चुनाव में पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी भी इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें, बीते दिन का एक किस्सा जो बेहद ही जबरदस्त है। बीते दिन कानपुर में एक जनसभा थी जिसमें प्रदेश प्रभारी ओम माथुर को जाना था और वो वहां गए भी, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जनसभा को रद्द करना पड़ा। आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जैसे ही जनसभा को संबोधित करने अपने होटल से निकले, वैसे ही तुरंत पीएमओ से फोन आ गया और पीएमओ से फोन आने का मतलब उन्हें जल्दी जाना था। और इसी बात को ले, इतना ही नहीं, इस मामले में जो हम आपको बता दें कि जैसे ही वो निकल रहे थे, मतलब होटल से निकले ही थे कि जनसभा को संबोधित करने, तमाम समर्थक उनका इंतजार कर रहे थे, वहां कार्यकर्ता होटल के बाहर ही थे। जैसे ही निकले पीएमओ से फोन आ गया, तो वहीं बनारस के पूर्व विधायक और वहां के प्रभारी सलील, वो भी कानपुर में आ रहे थे और उन्हें भी पीएमओ से कॉल आया। इन दोनों को ही पीएमओ से कॉल आने का मतलब राजनीति में एकदम हबड़ा, एकदम उथल पुथल। यानी कि हम आपको बता दें कि जनसभा में ये दोनों जा रहे थे बीजेपी की पार्टी से कानपुर में मेयर पद से प्रत्याशी हैं प्रमिला पांडे, उनकी जनसभा थी जिसके लिए ये दोनों जा रहे थे, सलील और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर। इन दोनों को पीएमओ से कॉल आता है और ये दोनों वहां के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन निकलने से पहले जैसे ही इन्हें कॉल आया, तमाम कार्यकर्ता हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करने में जुट गए, सरकारी से लेके प्राइवेट हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करने में जुटे। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने, भाजपा नेताओं ने दुगने दाम देने की भी बात कही, लेकिन किसी कारणवश हेलीकॉप्टर की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसकी वजह से यह दोनों तुरंत गाड़ियों के काफिले से बनारस पहुंचे। आपको बता दें कि बनारस से सलील जो कि वहां के अध्यक्ष हैं, बनारस से कानपुर के लिए निकले, उन्हें फोन आया और वो तुरंत बनारस लौट गए। तो वहीं कानपुर में मौजूद प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी कानपुर से गाड़ियों के द्वारा बनारस पहुंचे। इन दोनों कॉल आने का मतलब सीधा सीधा यही कि बनारस एक महत्वपूर्ण जगह है जो कि पीएम का संसदीय क्षेत्र है। राहुल, क्या लगता है आपको कि इन दोनों, जहां ये दोनों वहां रैली में जा रहे थे, वहां जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे, आपको बता दें कि मेयर पद की प्रत्याशी हैं प्रमिला पांडे और कांग्रेस की प्रत्याशी हैं वंदना मिश्रा, इन दोनों की कड़ी टक्कर कानपुर में देखी जा रही है मेयर पद के लिए। ये दोनों वहां नेता आते हैं, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर हैं और पूर्व विधायक और बनारस के प्रभारी सलील हैं, ये दोनों कानपुर में आ रहे थे, लेकिन दोनों को पीएमओ से कॉल आ गया जो तुरंत ये जनसभा को, और उसके बाद जनसभा को स्थगित कर दिया गया, जनसभा पूरी नहीं हुई, उसे रोक दिया गया। राहुल, क्या लगता है कि कहां ये एक दोनों वहां जा रहे थे, दोनों जनसभा में प्रमिला पांडे और वंदना मिश्रा की बेहद ही बड़ी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन जनसभा को स्थगित कर दी गई और उन्हें बनारस बुला लिया गया, कितना मतलब महत्वपूर्ण है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि यूपी में जो निकाय चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर सरगर्मियां बहुत तेज बढ़ी हुई हैं। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ लगातार रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं देखिए शुरुआत भी शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर बात करें इन दोनों जो कैंडिडेट है, तो दोनों प्रत्याशी जो है एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है। तो ऐसे में यूपी निकाय चुनाव भी बहुत अहम माना जा रहा है इस तौर पे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि योगी सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं ये एक बड़ा दाव है, क्योंकि अब जो है इस चुनाव में जो देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ी कह सकते हैं राशिद जी कि बहुत बड़ी जो है इसमें प्रतिद्वंद जो कह सकते हैं देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए जैसा कि राहुल ने बताया कि बहुत बड़ा प्रतिद्वंद इसमें देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कि जनसभा के लिए जब ये दोनों नेता निकले, तो तुरंत इन्हें पीएमओ से फोन आया और तुरंत इन्हें बनारस पहुंचने के लिए कहा। हम आपको बता दें बनारस का आखिर मसला क्या है।
बनारस पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जिसमें पीएम की एक पैनी नजर बनी हुई है। पीएम के लिए यहां से जीतना बेहद ही अहम है, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र, हम आपको बता दें कि अब तक यूपी निकाय चुनाव में स्थानीय नेताओं ने पीएम की सभा की मांग की थी, लेकिन दिल्ली से उन्हें इस बात की रजामंदी नहीं हुई, जिसलिए उन्हें पीएम की सभा नहीं मिली। और अब तक ये माना जा रहा था कि यूपी, जिसके बाद पीएम तक पीएम की रजामंदी मतलब यानी कि नहीं हुई थी कि उनकी जनसभा नहीं हो पाएगी वहां के स्थानीय नेताओं को लेकर, इसके बाद यूपी निकाय चुनाव की कमान सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने संभाल रखी थी। लेकिन कानपुर में जब सीएम की रैली हुई तो वहां कम लोग पहुंचे। इस बात की जानकारी पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को लगी, और इस बात को नजर रखते हुए उन्हें पता चला कि यूपी निकाय चुनाव बीजेपी के लिए कितना अहम है, जिस पर तुरंत ये एक्शन लिया गया कि इन सभी को, दोनों को बनारस बुलाया गया। पीएमओ से कॉल करके तुरंत बनारस बुलाया गया, जहां वहां की जनसभा को भी स्थगित कर दिया गया। आपने देखा, जैसे हमने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको वहां बुलाया और दोनों को वहां पे प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और पूर्व विधायक जो बनारस के प्रभारी हैं सलील को वहां रहने के निर्देश दिए। उन्हें बताया कि यूपी चुनाव कितना महत्व है और प्रधानमंत्री के लिए, खासकर प्रधानमंत्री के लिए बनारस कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बनारस पीएम का संसदीय क्षेत्र भी है जो हर हाल में पीएम मोदी को जीतना है। जी जी बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी का बनारस कह सकते हैं कि संसदीय क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं ये नाक का सवाल भी हो जाता है। बिल्कुल, ऐसे में ये सीट जो है बहुत अहम भी देखी जा रही है, क्योंकि देखिए एक तो नाक का सवाल है, ऊपर से अगर यहाँ से हार जाते हैं तो बहुत बड़ी जो बड़ी है कह मतलब सकते हैं हार, देखना बहुत बड़ी हार जो है इसे देखने को मिल सकती है। जी राशिद जी बिल्कुल, क्योंकि अगर इसमें मतलब बनारस की हम बात करें, खासकर बनारस बेहद ही अहम हो जाता है जब उनका नाम, जब बनारस का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ता बिल्कुल, है बिल्कुल, क्योंकि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र कहा जाता है, और अगर वहां से बीजेपी हारती है तो बहुत बड़ा एक बीजेपी की साख का सवाल हो जाता है। इसलिए यूपी नगर निकाय चुनाव में जो अब तक हम मान रहे थे कि सीएम योगी ने अपने हाथ में कमान ले रखी है, ऐसा नहीं है। पीएम मोदी भी अब इससे जुड़ गए हैं, क्योंकि बनारस में उन्होंने खास निर्देश दिए हैं, नेताओं को वहां रहने के लिए बोला है और वहां पर नजर पैनी नजर बनाए रखने को कहा है कि हर तैयारी में जुट जाए राहुल जी। बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने बताया कि नाक का सवाल है, तो कहीं ना कहीं देखिए जब बात इज्जत पे आ जाती है तो साम दाम दंड भेद हर कुछ अपनाना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जल्द ही गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे इसको लेकर भी बहुत ज्यादा सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। अब वहीं देखिए निकाय चुनाव की अगर हम बात करते हैं, अगर बनारस की सीट की बात करते हैं तो बनारस की सीट काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि संसदीय क्षेत्र है पीएम मोदी का, तो इस वजह से जो है पीएम मोदी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए वो लगातार यहाँ पे जो है रैलियों की बात कर रहे हैं और जो इंतजाम नहीं है उस इंतजाम को सही तरीके से पूर्ण किया जाए, इसको लेकर भी वो कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं जी। तो वहीं देखा जाए तो सीएम योगी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जुटे हुए हैं प्रचार प्रसारों में और अपनी लिस्ट भी वो इसी तरह से कर रहे हैं। और खास करके आपको हमने पहले ही बताया था कि बीजेपी ने इन निकाय चुनाव में अपने मुस्लिम प्रत्याशी भी खड़े किए हैं। एक तरफ जहां बीजेपी की रणनीति जो कि अब इस बार बदलती हुई दिख रही है, मुस्लिमों को टिकट देना, और दूसरी जगह बनारस में पीएम मोदी का नजरे बनाना, ये दोनों ही बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ये साबित करती हैं कि यह निकाय चुनाव भाजपा के लिए कितने महत्वपूर्ण है राहुल। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये निकाय चुनाव की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने आपको बताया भी कि योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों पहले जो है अयोध्या से इसकी शुरुआत भी की थी, भगवान राम का आशीर्वाद लेके बिल्कुल कहीं ना कहीं इस काम की शुरुआत कर रहे हैं, और देखा जाए तो वो लगातार जो है
उनकी रैलियों के कार्यक्रम भी बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इस चुनाव को लेकर वो भी काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अगर जैसे कि हमने बात किया पीएम मोदी की, तो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस आ जाता है, तो इसको लेकर जो है थोड़ा ज्यादा एक्टिव होने की यहाँ पे बात दिखाई दे रही है। जो इंतजाम सही ढंग से नहीं है उसकी व्यवस्था पूरी की जाने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये नाक का सवाल है, और इसीलिए बनारस को लेकर थोड़ा सा जो है यहाँ पे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं सीएम योगी। तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और यूपी निकाय चुनाव की कमान सीएम योगी ने थमाल रखी है, तो वहीं विरोधी पार्टियां भी, बीजेपी विरोधी पार्टी भी कुछ कम नहीं है, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिख रही है। अब देखना यह है कि इस निकाय चुनाव में कौन सी पार्टी परचम लहराएगी, किस पार्टी का जादू यूपी की जनता पर चल पाएगा, कौन यूपी की जनता किस पार्टी को चुनेगी। बहरहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी आपसे ऐसे ही किसी खास मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।